मुझे प्यार में हमेशा धोखा क्यों मिलता है? मैं हमेशा रॉन्ग लड़के अट्रैक्ट क्यों करती हूँ? मेरी लाइफ में हमेशा वही लड़कियाँ क्यों आती हैं जो हमेशा मेरा इस्तेमाल करके चली जाती हैं? ये सब क्वेश्चंस हैं ना हमारी लाइफ में। हम सब ने एक बार तो लाइफ में ज़रूर ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा जिसमें हमें किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, चाहे वो फ्रेंडशिप हो चाहे वो लव अफेयर हो, जिसमें हमें धोखा मिला हो या हमें अनफेथफुलनेस की फीलिंग आई हो या हमें लगा हो कि सामने वाला हमारे सामने ट्रांसपेरेंट नहीं है, पीछे कुछ है आगे कुछ है, राइट? सो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल टू माई मैजिकल चैनल, माई मैजिकल वीडियो एंड वेरी न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं हूँ प्रिया फ्रॉम बॉम्बे। मैं हमेशा एनर्जी साइंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा नियम है जो सृष्टि का नियम है, जो कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, वो एग्जिस्ट करता ही करता है, हम माने चाहे ना माने। तो उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हुए मैंने अपनी लाइफ में उसके अलाइन होके क्या क्या फ़ायदा लिया, क्या क्या अट्रैक्ट किया, कैसे किया, क्या मेरी मिस्टेक्स थी, क्या मेरे गुड एक्सपीरियंसेस थे, वो सब मैं अपने वीडियो सीरीज़ में शेयर करती हूँ। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि किसी ना किसी की हेल्प हो जाए, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में किसी ना किसी एस्पेक्ट में, किसी ना किसी सेक्टर में हम स्ट्रगल कर रहे हैं और हम सब ये फील करते हैं कि स्ट्रगल मेरे साथ ही क्यों है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक, क्योंकि ये मेरा वीडियो, मेरे लास्ट वीडियो हाउ टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ से ही कनेक्टेड है, क्योंकि अट्रैक्ट लव तो हम एक एक्टिविटी से कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हमें अपने लेवल पे भी एक बिलीफ, अपने बिलीफ सिस्टम पे भी कुछ काम करना है और हमें अपने लेवल पे चेक भी करना है कि हम कहाँ गलत हैं। सो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग आई विल डिस्कस, लेकिन वो इतना डीप रूटेड है कि हमने कभी ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। सो लेट्स चेक इट आउट व्हाट इट इज। सो अभी अनफेथफुलनेस लव में क्या हो जाता है? ओके, अगर हम बोलें कि मुझे हमेशा लड़के गलत क्यों मिलते हैं, वो हमेशा मुझे फॉल्स प्रोमिसेस देते हैं या वो मुझे हमेशा धोखा देते हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपकी जो भी एग्जिस्टेंस है, आप जो भी हो, फाइन, आपके जो भी विचार और थॉट्स और संस्कार और आपके हैबिट्स, आप उसी का एक बंच हो। जो भी हम अपनी लाइफ में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, हम वही पा रहे होते हैं। आई होप आपको इसका आंसर मिल गया कि अगर हम रॉन्ग बंदे अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं रॉन्ग सिग्नल्स यूनिवर्स में भेज रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइफ की जो भी रियलिटी आज की डेट में है, पैसे को लेके, रिश्ते को लेके, हैप्पीनेस को लेके, और काम रुक जाते हैं नहीं रुकते हैं, जो भी हमारी लाइफ का फ्लो चल रहा है, जो भी हमारी लाइफ अभी है, वो जो भी है किसी और की वजह से नहीं है, वो हमारे खुद की वजह से है। सो ये एक्सेप्ट, सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना सीखो अपने ईगो को हटा के, क्योंकि ईगो साथ लेके रखोगे, मेरे में गलती नहीं है, उसमें गलती है, उसमें गलती है, तो नुकसान किसका हो रहा है? आपका खुद का हो रहा है, खुद का ही हो रहा है, और हमें नहीं पता। तभी कहते हैं ना, ईगो में इंसान अंधा हो जाता है, उसको पता नहीं चलता। सो यही मैं आपको समझा रही हूँ। तो हमने रॉन्ग सिग्नल यूनिवर्स में क्या भेजा? हमने रॉन्ग सिग्नल यूनिवर्स में, बड़ा प्यारा सा एग्जांपल देती हूँ, अगर हमें किसी से प्यार हो जाता है, हम पिक्चर में एक डायलॉग सुनते हैं, टू पीपल आर मैडली इन लव, तो क्या बोलते हैं, मेरे को तो, मैं तो तुझको अपने से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। इज़ इट ट्रू फ्रॉम इनसाइड? इट्स अ फॉल्स प्रॉमिस यू गिविंग, ऐसा नहीं है। सेकेंड थिंग, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इज इट ट्रू जो तुम बोल रहे हो, क्या वो सच में सच है? वॉट फीलिंग यू आर एमिटिंग? यू आर एमिटिंग कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दिस इज व्हाट यू आर सेंडिंग एनर्जी टू द अदर पर्सन। बट आपका जो इनर रियल सेल्फ है, जो आपकी इनर रियल एनर्जी है, वो क्या है? सेल्फ लव की है ना, मुझे मेरा फायदा चाहिए, मैं इसे प्यार करती हूँ, तो ये सबसे बात ना करे ना, पहले मुझसे बात करे, ये सबको इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा है, ये मुझे इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहा? तो आप अंदर से जो उसके ऊपर इम्पोज कर रहे हो, वो आप क्या इम्पोज कर रहे हो कि तू सबको छोड़ के पहले मुझे भाव दे, ठीक है? अंदर से भी आप ऐसे हो, बट आप क्या खुद ऐसे हो? क्या आप खुद किसी को प्यार करते हो, किसी भी रिश्ते में तो उसको पहले भाव देते हो अपने आप से? नहीं। सो आपकी जो रियल रियलिटी है, आपकी जो रियल एनर्जी है और आप जो भेज रहे हो, वो मैच ही नहीं कर रहा, पहली बात।
हमेशा अपनी खुद की एनर्जी से अलाइंड रहोगे। अगर मैं जैसी हूँ, अगर मैं ओके मैं किसी एक टॉपिक को सपोज मुझे कॉपी ऐसे रखना पसंद है, ऐसे रखना नहीं पसंद है, और मैं ये चीज़ अकेली होती हूँ तो ऐसे ही रखती हूँ, कोई और सामने आ जाए किसी को गाइड करना हो तो मैं नहीं ऐसे भी कर सकती हूँ, जबकि मुझे पता है कि ऐसे रखने का क्या फ़ायदा है, बट आई एम गिविंग हिम अ रॉन्ग इंस्ट्रक्शन, अ रॉन्ग गाइडेंस, आई एम डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट अलाइंड टू माई ओन एनर्जी। मतलब मैं अपने ही थॉट प्रोसेस, अपने ही बिलीव्स के अगेंस्ट बाहर एमिट कर रही हूँ, तो वो क्लैश होता है। तो दैट मीन्स आई एम नॉट ट्रू टू हिम और हर, सो दैट मीन्स आई विल अट्रैक्ट सेम पीपल हु आर नॉट ट्रू टू मी बट दे आर ट्रू टू देयर सेल्फ। हम कहते हैं वो मेरा फेथफुल नहीं है, वो मेरे साथ फेथफुल नहीं है, लेकिन वो अपने साथ फेथफुल है, क्योंकि आप भी अपने साथ फेथफुल हो और दूसरे के साथ फेथफुल नहीं हो। ध्यान से, बहुत बारीकी से सोचने वाली बात है, बहुत बारीकी में अपने खुद के थॉट्स को ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत ज़रूरी है। और बार बार रोना बंद करो कि मुझे नेगेटिव लोग मिलते हैं, मैं हमेशा दुखी रहती हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब मेरे को यूज़ करके चले जाते हैं। नो, डोरमैट आप खुद बनते हो, अपनी एनर्जी को और ख़राब आप खुद करते हो। सो जिस माइंडसेट की मैं हूँ, मुझे उसी माइंडसेट के लोग हमेशा मिलेंगे। आप खुद का माइंडसेट चेंज करो। ओके, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। इंडियन घरों में ऐसा अक्सर होता है, फ्रेश खाना बना है, ओके हम तो गरम गरम खा रहे हैं, मेड आई, कोई बाहर से बंदा आ गया, इसे कल की सब्जी दे दो ना, हम तो कल की क्यों खाएं, वो मेड को दे दो। वेरी रॉन्ग। अभी आप वैसे लोग अट्रैक्ट करोगे, वैसे रिश्तेदार अट्रैक्ट करोगे, वैसे फ्रेंड्स अट्रैक्ट करोगे जो आपको अपनी किचन में से बासी ही देंगे, फ्रेश नहीं खिलाएंगे। ये सच्चाई है, क्योंकि आप यही एमिट कर रहे हो, आपने अपनी एनर्जी वही बनाई है। और फिर आप बाद में बोलते हो, ओहो मैंने देखा था वो चाची मासी ताई जिसने भी देखा था मैंने, उसने मुझे हमें कल की सब्जी खिला दी ना, अच्छा नहीं किया। बट हम अपने आप को रीचेक नहीं करते, हमने अपनी एनर्जी ख़राब करी है। सो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि अगर जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे कल का बासी खाना खाने में प्रॉब्लम कभी नहीं होती। तो अगर मेरे पास खाना एक्स्ट्रा हो गया है और मेरी मेड और मैं हूँ, तो मैं हमेशा पहले बताती हूँ, सुन यार कल का खाना बचा है, तुझे खाना जमेगा तो चल हाफ हाफ खाते हैं, आधा तू खा आधा मैं खाऊँ। आई एम क्लियर विद माई इंटेंशन, आई एम क्लियर विद माई थॉट, जो मैं बिलीव कर रही हूँ मैं वही दे रही हूँ। तो इसका मतलब मैं ट्रांसपेरेंट रही और मैं सामने वाले के साथ ट्रू डील करी, तो मुझे हमेशा वही लोग मिलते हैं जो मेरे साथ ट्रांसपेरेंट हैं, क्लियर बात करते हैं और ट्रू डील देते हैं मुझे। फिर मेरे को डिसाइड करना है मुझे क्या करना है। आई होप आप ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इंस्टिंक्ट। जो लोग प्यार को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं या अच्छे रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और सेंटेंस है जो मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था, पुशिंग अवे अनफेथफुलनेस विल नॉट लेट फेथफुल कम टू यू। फेथफुल अनफेथफुल को पुश नहीं करना, अनफेथफुल के लिए बुरा नहीं बोलना, अनफेथफुल के लिए हमें अपनी एनर्जी अनफेथफुल में डालनी नहीं है। वो अनफेथफुल है, उसने धोखा दिया मुझे, ये किया। आप जितना उसको बोलोगे, जितना अपनी एनर्जी उस अनफेथफुल इवेंट में लगा दोगे, आपने अपने इमोशंस वहाँ लगा दिए, अपना टाइम वहाँ लगा दिया, अपनी एनर्जी, अपनी सोच, तो आपने क्या एक्सपैंड किया, अनफेथफुलनेस एक्सपैंड कर लिया। आपकी आत्मा अंदर से क्या चाहती है, फेथफुलनेस चाहती है। आप अपने आप से अलाइन नहीं हुए, फाइन। तो अभी सिंस आपको धोखा मिल गया है और आप दुख की स्थिति में हो, तो आप उसी का गुणगान बार बार कर रहे हो, विच इज़ रॉन्ग। सो अनफेथफुलनेस कभी फेथफुलनेस नहीं लाएगी, फेथफुलनेस ही फेथफुलनेस लाएगी। ओके, सॉरी माई सन इज़ कॉलिंग मी। ओके, मुझे आज याद आया, अचानक आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू, सो प्लीज़ इम्प्लीमेंट दिस। इसका राइटअप भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। So enjoy attracting good, 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 good relationships and enjoy attracting love in your life. I love you all. Thank you so much for watching. God bless you. Bye-bye.